दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे का हलवा। जैसे कि बाजरा बहुत से जगहों पे हमेशा ही खाया जाता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे या शहरों में लोग ज़्यादातर बाजरा सिर्फ सर्दियों के मौसम में खाना पसंद करते हैं और सिर्फ शौकिया तौर पे खाते हैं, तो वो अलग अलग डिशेज बना के खाने की सोचते हैं। तो हम आज बाजरे के आटे का हलवा बनाएंगे। उसके लिए हम कोई भी एक पैन कढ़ाई ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है और अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आँच हम मीडियम रखेंगे। 8-10 काजू बादाम जिनको हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है और 8-10 ही हमने काजू लिए हैं, इनको भी हमने 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। अब सबसे पहले हम काजू और बादाम को घी में डाल के हल्का सा, घी को हमने तेज़ गरम नहीं किया क्योंकि अगर हमने तेज़ गरम कर लिया होता तो हमारे काजू बादाम डालते ही जल जाते, ज़्यादा ब्राउन हो जाते। हमें इन्हें धीमे फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें लाइट ब्राउन करना है। सर्दियों में बाजरे का हलवा बहुत अच्छा रहता है, हमारे शरीर को गर्मी देता है। कम घी में भी हम इसे बना सकते हैं, पर अगर हम इसमें अच्छा घी डालेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अखरोट खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं। इसमें हम अखरोट भी डाल लेंगे और इन्हें भी हम थोड़ा भून लेंगे। ये चिरौंजी है, अगर आप खाते हैं तो आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं। इन्हें भी हम 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इनका कलर चेंज हो गया है, अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। और ये हमने 1 कटोरी बाजरे का, 1 कप बाजरे का आटा लिया है, ये इसमें डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे, इसका कलर चेंज होने तक भूनना है। आधा चम्मच घी और डाल लेंगे। ये 2 इलायची लिए हमने, इलायची को हम छिलका निकाल के और इसका पाउडर बना लेंगे। इसे हम 1 कटोरी में निकाल लेंगे। ये हमारा बाजरे का आटा भूंद गया है। आपको शायद वीडियो में ना दिखे, लेकिन अगर आप सामने बनाएंगे और भूंदेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारा भूंद के तैयार हो गया है। इसे हमें भूनने में, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे भूंदा है और हमें इसे भूनने में 6 से 7 मिनट लगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने जिस कटोरी से हमने आटा लिया वही कप, हम 2 कप पानी लेंगे और गैस को हम एकदम कम कर देंगे और ये पानी इसमें डालेंगे और फटाफट चलाएंगे इसे। अब हम गैस तेज़ कर लेंगे, अच्छे से इसके लम्प्स मिटाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमें इसे कढ़ाई के छोड़ने तक पकाना है। गैस हम फिर से मीडियम कर लेंगे। 1 कटोरी आटे में हमने आधा कटोरी शक्कर ली है। अगर आप तीखा, ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप इसमें शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ आधा कटोरी शक्कर डाली है। ये देखिए, ये हमारा हलवा कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो हमने भूने हैं वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। इलायची और 20-25 हमने इसमें किशमिश लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे। देखिए, हमारे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है। अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, और आपको अगर ज़्यादा घी पसंद हो तो हम इसमें ऊपर से और थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं।
हम इसमें एक चम्मच घी और डाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बाजरे का आटे का हलवा बनके तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छा बना है। गैस बंद कर देंगे। ये हमारे बाजरे के आटे का टेस्टी हलवा बनकर के तैयार है। टेस्टी एंड हेल्दी। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, घी शक्कर। अगर आप कम घी का पसंद करें तो आप कम घी में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। मेरे इस हलवे में एक कटोरी में हमें 6 से 7 चम्मच घी लगा। ये बहुत अच्छा बना है। आप बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।